मैं खुद इस दर्द से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना आज, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। किस सितारे को मिली सोल्जर के सीक्वल में जगह? क्या इस एंट्री से बढ़ जाएगी रियल एंड रियल बॉबी देओल की मुश्किलें? नमस्कार दोस्तों, बॉलीराज स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति, और आज हम बात करेंगे बॉबी देओल की वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फिल्म सोल्जर से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या खास इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सोल्जर 2 फिल्म के बनने की उम्मीद उस दीपक की तरह है जिसे पकड़कर फैंस ऐश्वर्या राय बनकर सिलसिला ये चाहत का गा रहे हैं। और जैसे गाने के एंड में आखिरकार शाहरुख खान की एंट्री हो ही जाती है, वैसे ही फाइनली 2 दशक बाद इस फिल्म ने भी मेकर्स के दरवाजे पर दस्तक दे ही दी है, वो भी एक जबरदस्त कहानी और एक ट्रेंडी हीरो के साथ। अब बस फिल्म पर काम शुरू करने की जरूरत है और जल्द ही हमें सोल्जर 2 की भी बातें सबकी जुबान से सुनाई देने लगेंगी। खुशी की बात ये है कि भले ही ऑफिशियली नहीं, लेकिन मेकर्स ने इस डायरेक्शन में काम करने शुरू कर दिया है। और सबसे पहले तलाश की गई है उस किरदार के चेहरे की जिसे बॉबी की फिल्म में मेन जंग होगी। इस रोल के लिए चुने जाने की सबसे ज्यादा चांसेस है झक्कास फॉरएवर यंग अनिल कपूर की। अपनी पिछली वीडियो में हम आपको फिल्म की मोस्ट एक्सपेक्टेड कहानी के बारे में बता चुके हैं। इस कहानी के फिल्म शिनर के लिए अनिल कपूर का नाम सामने आ रहा है। दरअसल मेकर्स को ऐसे एक्टर की जरूरत है जो किसी भी मामले में बॉबी देओल से कम ना लगे, उल्टा ज्यादा लगना बेहतर होगा, क्योंकि इससे ऑडियंस के मन में हीरो की जीत को लेकर डाउट पैदा होता है। और फिर इसी डाउट से डायरेक्टर को फिल्म में सरप्राइज एलिमेंट्स इंक्लूड करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। प्लस मेकर्स को एक ऐसे शक्ल की खोज थी जिसे लोग देखते ही विलेन ना घोषित कर दे, बल्कि वो लोग भी कंफ्यूज रहे कि आखिर सही कौन है, बॉबी का किरदार या फिर अनिल का। इससे फिल्म में थ्रिल और क्यूरियोसिटी बढ़ती है। वैसे भी अनिल सर को अक्सर पॉजिटिव रोल्स में विलेन की बैंड बजाते और सच साबित करते देखा गया है, जबकि बॉबी सर ने आश्रम सीरीज में अपने इम्प्रेशन की काया पलट के रख दी। ऐसे में अगर फिल्म में पहले ही बॉबी सर के कैरेक्टर को निर्दोष नहीं बताया जाता है, तो चांसेस हैं कि लोग उन्हें ही गलत समझ और बढ़ सच्चाई से खुलासा उनके लिए एक अच्छा शॉकिंग एलिमेंट बन सकता है। इस रोल के लिए अनिल सर इसलिए भी बेस्ट ऑप्शन माने जा रहे हैं क्योंकि उन्हें अक्सर प्रोफेशनल्स के रोल्स निभाते देखा गया है और इन किरदारों में उन्हें काफी पसंद भी किया गया है। कभी 24 के पुलिस तो कभी AK वर्सेस AK के एयर ऑफिसर। इसके अलावा इससे पहले मेरे जंग में उनके लॉयर अवतार को भी काफी पसंद किया गया था। ऐसे में फिर से काला कोट पहनकर उनका कोट में घुसना कई लोगों को पुरानी यादों को ताजा कर सकता है और ये नॉस्टैल्जिक वैल्यू भी फिल्म के फेवर में ही काम कर सकता है। तो आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या इस रोल के लिए अनिल सर परफेक्ट है या फिर किसी और के होने से ये किरदार बेहतर होता। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।